प्रदेश के तमाम सियासी दलों ने चुनावी तैयारियों में ताकत झोंक दी है। इसका बड़ा कारण भी है, प्रदेश में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ होने की चर्चा जोरों पर है। जननायक जनता पार्टी की ओर से भी लगातार अलग अलग जिलों में जाकर पार्टी को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। चौधरी अजय सिंह चौटाला ने भी लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ होने की ओर इशारा किया है। वहीं पार्टी के संगठन को वार्ड व बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए भी लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। पेंशन का वादा पूरा करने के सवाल पर चौधरी अजय सिंह चौटाला ने कहा कि उनके हाथ में पूरी कलम नहीं है, फिर भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बता दें कि जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो चौधरी अजय सिंह चौटाला लगातार हरियाणा के अलग अलग जिलों में जाकर पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारियों में जुटने के लिए निर्देश दे रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि संगठन की खामियों को दूर करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। बता दें कि चौधरी अजय सिंह चौटाला शनिवार को भिवानी में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे थे। पार्टी के संगठन में जो कोई खामियां हैं उन्हें दुरुस्त करेंगे। आगामी डेढ़ वर्ष में वार्ड स्तर के बूथ स्तर तक इसको लेकर के जाने का काम करेंगे। सर एक बात बार बार आती है कि 500 रुपए पेंशन की आपने बाधा बढ़ेगी, लेकिन आपका तो कहीं ना कहीं कभी गलती है। ये पूरी कलम अगर हमारे हाथ में होती तो पहली कलम से करते। अब हम सहयोगी हैं और सहयोगी के नाते निरंतर हमारा प्रयास है और उस टारगेट को अचीव करने का काम करेंगे। कितने दिन हो गए अब लगे हुए हैं, प्रयासरत हैं। अमित शाह ने संकेत दिया कि लोकसभा के साथ विधानसभा तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो फील्ड के आदमी हैं, 24 घंटे तैयार। कोई फीस ऐसी जो लगता है कि अगर पूरे बहुमत के साथ बीजेपी सरकार में आती है तो चीजें नहीं हो पाई, पूरी हो पाएंगे आगे? निश्चित तौर पर प्रजातंत्र में जनशक्ति का फैसला ही सबसे बड़ा सर्वोपरि। अभय सिंह चौटाला यात्रा कर रहे हैं, इस प्रकार बधाई देने के प्रजातंत्र में सबको अधिकार है, वो भी करें अपना काम।